नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की चौसर में, हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 24 की चौसर आज भी ग्राउंड जीरो से। आज हम मौजूद हैं जौनपुर में। जौनपुर से हम आपको बताएंगे कि चौथे चरण की वोटिंग से पहले कैसी तस्वीर सामने आ रही है और कैसी तैयारियां हैं। चौथे चरण के रण में अब जनता की बारी आ चुकी है। कुछ घंटे बाद यानी कल सुबह 7 बजे से यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। देश भर की कुल 96 सीटें ऐसी हैं जिन पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बात यूपी की करें तो यूपी की जिन 13 सीटों पर कल मतदान होने हैं, वहां पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कन्नौज, उन्नाव, मिश्रिक, अकबरपुर, हरदोई, इसके अलावा सीतापुर, शाहजहांपुर, इटावा, धौरारा, बहराइच, फरुखाबाद, लखीमपुर खीरी और कानपुर, यूपी की ये 13 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर कल मतदान होना है। यूपी की इन 13 सीटों की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने सभी सीटों पर कमल खिलाया था, मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर 2019 में। ऐसे में इस बार बीजेपी की साख दांव पर है। इन सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मेन लड़ाई है, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी की वजह से त्रिकोणीय फाइट भी देखने को मिल रही है। 2024 में कन्नौज में अखिलेश की साख का सवाल है, क्योंकि 2019 के चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव मतलब अखिलेश यादव की पत्नी हार गई थी सुब्रत पाठक से, और इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, इस वजह से उनकी साख दांव पर है। इसके अलावा 2024 में खीरी से अजय मिश्रा टेनी की साख भी दांव पर है। थार कांड के बाद अजय मिश्रा टेनी की अग्नि परीक्षा होनी है। वहीं 2024 में उन्नाव से साक्षी महाराज फिर से मैदान में है। देखना यह है कि इस बार कितनी बड़ी जीत दर्ज वो कर पाते हैं। 2014, 2019 और 2024 में भी साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव से चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि वोटिंग से पहले तैयारियां कैसी हैं और कैसी तस्वीर अलग अलग बूथों पर देखने को मिल रही है। चौथे चरण की वोटिंग के लिए कुछ ही वक्त बचा है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। इस फेज में यूपी में 13 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण में बीजेपी के लिए लड़ाई ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यूपी में 2019 में इस चरण की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार कुछ सीटों पर कांटे का संघर्ष दिखाई दे रहा है। इनमें कन्नौज, उन्नाव और लखीमपुर खीरी वोट सीट है। यादव बहुल कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है। कन्नौज सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1999 से 2019 तक हुए 7 लोकसभा चुनाव में से 6 बार यहां यादव परिवार का कब्जा रहा है। उन्नाव सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज मैदान में हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व केंद्रीय मंत्री अन्नू टंडन और बीएसपी ने अशोक पांडे पर दांव लगाया है। लखीमपुर खीरी सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी की साख का सवाल है। यहां गठबंधन ने उत्कर्ष वर्मा और बीएसपी ने अंशय कालरा को उतारा है। मिश्रिक सीट पर रिश्तेदारों के बीच चुनावी नूरा कुश्ती है। जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने डॉक्टर अशोक कुमार रावत पर भरोसा जताया है। गठबंधन से बीजेपी प्रत्याशी की रिश्तेदार संगीता राजवंशी और बीएसपी से डॉक्टर बीआर अहिवार मैदान में डटे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर पिछली बार जीत दर्ज करने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों को इन 13 सीटों पर उतारा है। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में अपने प्रत्याशी बदले हैं। बीजेपी के लिए इस बार राहत की बात ये है कि उसके साथ इस बार आरएलडी भी है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी। सपा और बसपा के भी अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पिछली बार कन्नौज, मिश्रिक और इटावा में ही बीजेपी को टक्कर मिली थी, उसमें भी कांटे का मुकाबला सिर्फ कन्नौज में हुआ था। चौथे चरण के रण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, महाराष्ट्र की बीड सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा। तीसरे चरण के साथ देश में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में कुल 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे फेज की वोटिंग के बाद 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर मतदान होगा। एक तरफ बीजेपी के सामने अपनी धमक बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस और बीएसपी
राजनीतिक जमीन तलाशने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ग्राउंड जीरो से हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ हैं, कन्नौज से लोकेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गंजू, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, कानपुर से कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं चौथे चरण की वोटिंग से पहले? पोलिंग पार्टियों की क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं और वोटर्स में कैसा उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण के लिए कल यहाँ 13 जो स्टेट्स में जहाँ मतदान होना है, स्टेट की 13 लोकसभा में, उसमें कानपुर भी है और कानपुर की अकबरपुर भी है। ऐसे में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा में चाहूंगा, ये देखिए, ये वो सेंटर जहाँ इस वक्त न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर है। कानपुर नगर पालिका सबसे बड़ा सेंटर ये कहा जाता है, अकबरपुर लोकसभा के ये सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ लगभग 2800 से ज्यादा वोटर्स यहाँ इस वक्त हैं जो कल अपना वोट कास्ट करेंगे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इस पहली बार ऐसा है कि 28,666 युवा, मतलब टोटल नए वोटर्स जुड़े गए। इसमें युवाओं की अगर बात की जाए तो उसमें मेल और फीमेल दोनों की, बेटियों की संख्या ज्यादा इसमें है। क्योंकि कानपुर अगर लोकसभा की बात की जाए तो इसमें 5 विधानसभा है, जिसमें सीसामऊ, आर नगर, छावनी और किदवई नगर और गोविंद नगर। और इसके अलावा अगर बात की जाए अकबरपुर, तो कानपुर की बिठूर की, जिससे बिठूर, कल्याणपुर और महाराजपुर की भी 3 सीटें अकबरपुर में जुड़ी हैं, शहर से जुड़ी एक टोटल सिनेरियो है। ऐसे में सबसे ज्यादा यहाँ जो वोटर है जनरल कास्ट है 5 लाख के करीब, उसके बाद अल्पसंख्यक की बात की जाए 4 लाख, इसके अलावा ओबीसी बात की जाए तो 3 लाख, और ऐसे में ही डिस्ट्रीब्यूशन बनता चला गया है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, अगर यहाँ प्रशासन, इन्होंने अपनी कमर पूरी कस ली है। ये पहली बार है कि इस बार चुनाव को से पूर्व में, जैसे अगर कल यहाँ वोटिंग तो रात से ही जो 5 जोन्स की टीम बनाई गई है, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में डिस्ट्रीब्यूट, सेंट्रल एक टीम को रिजर्व रखा गया है। जी अमित, ओके, तैयारियां मुकम्मल है, चुनाव आयोग की बारी अब मतदाताओं की है। और ऐसे में न्यूज 18 में लगातार मतदाताओं से अपील करता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, घर से जरूर निकलिए, वोटिंग जरूर करिए। यहाँ के जो फैक्टर्स हैं और मुद्दे हैं वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन एक बार लोकेश के पास चल लेते हैं। लोकेश, कन्नौज वो सीट है जिस पर न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह है बल्कि समूचे देश की निगाह भी है, क्योंकि अखिलेश यादव की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। कैसा उत्साह आप वहां पर वोटर्स के बीच में देख पा रहे हैं, कैसी चर्चा है पोलिंग से पहले? देखिए, आपको बता दें, कहीं ना कहीं अखिलेश के चुनाव के मैदान में आने के बाद जो राजनीति है वो बहुत गर्म है। और अगर वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स में बहुत उत्साह है। और बात की जाए अगर अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपना जो सीट जिस पर वो हार गए थे पिछली बार में, इस बार उन्होंने अपना इस सीट पर अपना दांव आजमाया है। और बीजेपी से सुब्रत पाठक जो इस बार जीते थे, वो भी इस बार मैदान में है। सुब्रत पाठक ने पिछले 2 चुनाव यहाँ से सपा के हाथ से वो हार खाए थे। एक चुनाव जो था वो अखिलेश यादव से वो हारे थे और दूसरा चुनाव डिम्पल यादव से हारे थे। इसके बाद में तीसरा चुनाव डिम्पल यादव से जीते हैं और वो भी बहुत कम मार्जिन से। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा मार्जिन की बात, बहुत कम मार्जिन से जीते थे और टाइट फाइट इस बारी मानी जा रही है बहुत, क्योंकि बीजेपी ने भी ग्राउंड जीरो पे काम किया और अखिलेश ने उन जो कमियां रह गई थी, जिन उनके हाथ से सीट गई थी, उस पर उन्होंने भी काम किया। फिलहाल दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारी लेकर दावे कर रही कि हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हमने काम किया है। अब बात कर दी जाए इस बार, इस समय मतदान स्थल पर खड़े मेरे ठीक पीछे मतदान स्थल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं और अपना जो कल के लेकर तैयारी कर रहे हैं कि कल जो मतदाता है वो आएंगे यहाँ वोटिंग करेंगे। ये कन्नौज का मतदान स्थल है जिसका नंबर है 302 मुस्लिम मोहम्मदी इंटर कॉलेज है। यहाँ लगभग 3,000 वोटर है जो यहाँ पर वोट करते हैं। 3 सेंटर यहाँ बनाए गए, ठीक पीछे देख सकते हैं आप, इस 3 बूथ पे जो है वो यहाँ लोग आकर मतदान करेंगे। ऐसे ही, और बात अगर उत्साह की जाए तो मतदाताओं में काफी उत्साह है इस बारी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बारी बीजेपी और सपा की टाइट फाइट इस बारी देखने को मिलेगी। चलिए, अच्छी बात है कि तमाम तैयारियां यहां पर भी मुकम्मल हैं। एक बार लखीमपुर खीरी चल लेते हैं, वहां से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, लखीमपुर खीरी पर भी हर किसी की नजर है, खासतौर से जैसा हमने जिक्र किया ओपन एंकर में कि थार कांड के बाद अजय मिश्रा टेनी की साख भी दांव पर है। उनके सामने चुनौती है एक बार फिर से कमल खिलाने की, अपनी सीट को बरकरार रखने की। कैसा उत्साह यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, वोटर्स में कैसा उत्साह है और तैयारियां किस प्रकार की आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल लखीमपुर खीरी की अगर बात करते हैं, लखीमपुर खीरी एक बड़ा जिला आता है। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से लगातार दो बार काबिज रहे हैं, अब तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टेनी पे अपना उनको प्रत्याशी बनाया है। अब उनके लिए भी चुनौती है कि लगातार अब तीसरी बार भी वो जीत के आए, लेकिन लखीमपुर खीरी में इस बार चुनाव कड़ा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी के मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को है। पिछली बार की अगर चुनाव की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी में 64% मतदान यहां हुआ था। इस बार भी लखीमपुर खीरी प्रशासन ने यहां पे अधिक मतदान करने के लिए अपने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। एक मतदान केंद्र सेंटर पे खड़े हैं, यहां तैयारियां चल रही हैं मतदान केंद्र पे। लोग यहां के जो अधिकारी हैं सब आ गए हैं और बल्लियां और रस्सियां बना के सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। जो मतदान करना है उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। और अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो यहां पे प्रशासन ने 1628 मतदेय सेंटर बनाए हैं और 2800 मतदान केंद्र बनाए हैं और 2890 मतदेय सेंटर बनाए हैं। लगभग 18,62,000 मतदाता 11 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे और उसके बाद लखीमपुर खीरी में कल शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए प्रशासन ने 25 पैरामिलिट्री फोर्स की प्लाटून तैनात की गई है। 1000 इंस्पेक्टर और 14,000 सिपाही को तैनात किया गया है कि शांतिपूर्ण लखीमपुर खीरी में चुनाव को संपन्न कराया जाए। अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी किसान बाहुल इलाका आता है, ये चीनी का कटोरा भी इसे लखीमपुर खीरी को कहा जाता है। अगर जातिगत आंकड़े की बात करते हैं तो खीरी जो लोकसभा सीट है इसमें दलित सबसे अधिक, लगभग 5.5 लाख के करीब दलित मतदाता हैं। दलित एक मेन फैक्टर है, लेकिन उनका मूड क्या है, उनका रुख किधर है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। एक बार आशीष के पास से लेते हैं, हरदोई से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, वहां पर कैसी तैयारियां, कैसी हलचल, क्या अपडेट? ठीक है, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार कानपुर चल लेते हैं अमित गंजू के पास फिर से। अमित, हमने कानपुर जब शो किया था उस दौरान पब्लिक के अलग अलग मुद्दे थे और मूड भी अलग अलग पब्लिक का देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो किया वहां पर और उसके बाद एक माहौल सा बना, चुनाव का माहौल भी बना और बीजेपी को लगने लगा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। अभी किस प्रकार की फाइट आप वहां पर देख पा रहे हैं प्रत्याशियों के बीच में इस बार? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दौरान आपने भी यहाँ कवरेज किया था और आपने एक यहाँ टी स्टॉक के काउंटर पर आपने भी एक लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत थे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के रोड शो ने कहीं ना कहीं चीज़ों को हॉट कर दिया है, क्योंकि प्रत्याशी बाहर का एक बार बार कहा जा रहा था, बाहर से प्रत्याशी भाजपा ने कानपुर लोकसभा में लाया रमेश अवस्थी को, क्योंकि ये गढ़ भाजपा का कहा जाता है। हालांकि पूर्व में अगर बात की जाए, जो परसिमंस थे, अगर हम अकबरपुर के परसिमंस को हम बिल्लौर से जोड़े वो अलग चीज़ है, कानपुर लोकसभा के अलग है, परसिमंस भले ही थोड़े चेंज हो गए, लेकिन पिछले काफ़ी समय से यहाँ जैसे मुरली मनोज जोशी की बात की जाए और उसके बाद सत्यदेव पचौरी ने इस पर पूरा कब्जा बनाया हुआ था और अब बीजेपी को ही मालूम है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस सीट पर जनरल कास्ट यानी 5,16,00,000 में 5 लाख जनरल कास्ट के हैं और उतने ही अगर बात की जाए लगभग 4 लाख अल्पसंख्यक भी हैं। अगर हम ओबीसी की बात करो तो 3,28,000 करीब ओबीसी, तो एक जो संघर्ष है वो कहीं से कम नहीं है। बीजेपी की सीधी टक्कर अलायंस कैंडिडेट से है अगर बात की जाए, यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट से, और वही कास्ट फैक्टर है और उस पर सभी पार्टियों की भी नजर है। अमित, ठीक है, एक बार आशीष से अपडेट ले लेते हैं हरदोई का। आशीष, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कैसी तैयारी आप वहां पर वोटिंग से पहले देख पा रहे हैं हरदोई में? जी देखिए, आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच चुकी हैं। हम लोग इस टाइम आरआर इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। आपको बता दें यहां पे 3000 से अधिक मतदाता मतदान करेगा। बीजेपी से जयप्रकाश रावत हैं, वहीं आपको बता दें सपा से उषा वर्मा हैं और यहां पर भीमराव अंबेडकर बसपा से प्रत्याशी हैं, जिसमें कड़ी टक्कर है। आपको बता दें हमारे साथ आप देख सकते हैं कि अभी तैयारियां चल रही हैं, कई तरीके की तैयारियां की गई हैं, पेयजल स्वच्छ मिले, शौचालय स्वच्छ हो, जो आने वोटिंग करने लोग आए उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको दिखा दें यही वो रो होगी जिससे वोट डालने मतदाता अपना अंदर जाएगा। और आपको बता दें अंदर बलून की तैयारी चल रही है, जो बच्चे आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। कई तरीके से हर एक चीज पर ध्यान रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। आपको बता दें वहीं मतदान जो कर्मी हैं उनको खाने पीने में दिक्कत ना हो, किसी और
साफ सुथरा खाना मिले, ये देख सकते हैं आप। इसी तौर जो धूप होगी उसमें मतदान, जो मतदान करने लोग आएंगे वो यहाँ खड़े होंगे और लाइन ना लगने पाए इसका खास ध्यान रखा गया है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके से क्या तैयारी है और क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए बता दें यहाँ पे जो जिले के जिलाधिकारी डीएम मंगला प्रसाद सिंह हैं और एसपी केशव चंद गोस्वामी हैं तो लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। अब मतदान स्थल की बात करें तो ठीक अभी दिखाया होगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे धूप ना लगे उसके लिए यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है। अच्छा एक चीज हम आपको और बता दें कि यहाँ 30 लाख से ज्यादा वोटर है, 8 विधानसभाएं हैं जिसकी 3 विधानसभाएं मिश्रिक में आती हैं और 5 विधानसभाएं वो हरदोई लोकसभा 31 में आती हैं। आपको बता दें चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, बारी है वोटर्स की है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान देने से चूकिए मत। चूक जाएंगे तो आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा अपने पसंद का सांसद चुनने के लिए, इसलिए घर से जरूर निकलें, कल पहले मतदान फिर जलपान जैसा चुनाव आयोग कह रहा है, ये बात न्यूज 18 भी कह रहा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।